तो दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 3 और काफी अच्छा वेदर हो रहा है, बड़ा अच्छा काला काला वेदर हो गया एकदम। दिखाती हूँ बाहर का, अंधेरा जैसा हो रहा है और काफी धड़ाम हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लग रहा है आज बारिश होगी और लाइट तो जरूर चलेगी। तो चलिए अपना काम, लाइट वाला काम तो फटाफट कर लेते हैं, जिसमें माइक्रोवेव मिक्सी ये सब काम मेरा अभी पड़ा हुआ है, मैं सब निपटा लूँ फटाफट, क्योंकि लाइट 100% है। जैसे ही अगर बारिश की एक बूंद भी गिरी ना, यहाँ लाइट ज़रूर जाएगी। तो पहले फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस लाइट जा चुकी है, जैसा कि हमने बोला था कि लाइट जाएगी जाएगी जाएगी, और लाइट फिलहाल चली गई है और एक ही लाइट बस चल रही है बिकॉज इन्वर्टर है, और सब काम अब रुक चुके हैं। फिलहाल मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो और अभी बजे है 4:15, हाँ बस चाय पीनी थी, तो अब जब लाइट आएगी तब देखा जाएगा। खाना पीना सब हो चुका है, सब कुछ निपट चुका है, काम सब हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, अब लाइट का वेट करते हैं कब आएगी। तब तक जो बची कुछ ये जो इन्वर्टर की लाइट है, इन्हें भी बंद करते हैं, इन्हें भी वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, मौसम खराब है, कब आती है कब नहीं आती है। तो मिलती हूँ आपसे लाइट आने पर। दोस्तों उनकी चाय वाय हो चुकी है और वेदर बहुत अच्छा हो चुका है। तुम कॉफी पी रही हो, हम लोगों ने चाय पी है अभी पी है। मौसम अभी भी बहुत अच्छा है, बारिश हुई कि नहीं हुई बट मौसम अच्छा है, घूमने फिरने वाला हो चुका है। तो आप क्या कहेंगी, आपका क्या कहना है मौसम के बारे में? ऐसे मौसम में बहुत अच्छा है, ऐसे मौसम में क्या करना चाहिए? और मेरी हेयर स्टाइल क्यों रिमेड कर रही हो? हाँ ठीक है, ऐसे भी चलता है, मेरे भी ऐसे ही है बाल, नेचुरल होना चाहिए, मेरे ब्लॉग नेचुरल होते हैं। पहले आप ज्यादा अच्छी लग रही है, और आपसे कुछ पूछा है आप अपने बारे क्या में? क्या पूछा है? ऐसे मौसम में क्या करना चाहिए? ऐसे मौसम या तो चुपचाप बैठ के यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे मौसम में कॉफी पीनी चाहिए। वो तो ठीक है, मैंने भी चाय पी ली है, मेरी चाय खत्म हो चुकी है, अब आप बताइए। बस चाय पी के तो नहीं जिंदगी कट सकती। गाइज आप लोग कमेंट करके बताइए कि इतने अच्छे मौसम को कैसे यूज किया जाए और कैसे इसका सबसे अच्छा क्या होता है मौसम में करना क्या चाहिए। चाय तो हो चुकी, अकौड़ा पकौड़ा मैं नहीं खाती, फ्राइड होता है, इसलिए प्लीज पकौड़ी सकौड़ी के लिए आप मैसेज मत करिएगा और कुछ भी कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अच्छे मौसम में क्या करना चाहिए। आप लोगों को सबसे अच्छा क्या लगता है, जब वेदर अच्छा होता है तो कौन क्या करता है, ये कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7 और मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा सुहाना है, लाइट आ रही है, गई तो नहीं, गई थी बट आ गई, मौसम अच्छा है। तो सोचा जा रहा है कि कहीं जाएं, कहीं होके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे तैयार होके। कहाँ जा रहे हैं ये तो नहीं पता मुझे अभी, बट जैसे निकलते हैं तय होता है कि कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, पहले निकल जाते हैं फिर उसके बाद तय करते रहेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल तो पहले रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
दिखाई है, पीठ दिखा के आप मेरे ब्लॉग में नहीं जा सकती। अच्छा आप उल्टी ही चलती हैं, आप अपने कपड़े तो दिखाएं, क्या मस्त आपने कपड़े पहन रखे हैं। मैंने पहन भी रखे हैं। हाँ तो दिखाई, हाँ तो दिखाइए, कमेंट करके बताएंगे लोग, तो आप दिखाइए तो आके, पीठ दिखा के आप नहीं जा सकती। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार, बस मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है और लाइट क्यों इतनी ऑफ है, लाइट खोलो। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग लाइट बंद। अरे यार लाइट तो खोलो, वीडियो तो बना रहे। तो हम लोग हो चुके पूरे रेडी और लाइट बहुत कम है, खोल दो, मैं खुद ही खोल लूँ। तो मैंने डाला है सूट, ब्लैक कलर की कुर्ती और नीचे लेगिंग भी है, पैंट भी है, सब कुछ है। तो चलिए चलते हैं, मिलती हूँ बाहर। कहाँ जा रही हूँ बाहर ही पता ही चलेगा, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हो पाया है, डिसाइड होता तो शायद रात हो जाती, तो रास्ते में ही डिसाइड करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों ये लोग रोज का हो गया है, तो जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं गाइज, ये कुत्ते आके खड़े हो जाते हैं और हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाता है, डेली का हो गया। जब भी हम लोग निकलते हैं, हम लोगों ने गेट खोला नहीं, उनको ये लगता है कि हम लोगों ने खा, और एक्चुअली मेरी बेटी नहीं ये सब बिगाड़ा है, मैं तो ये सब में नहीं करती, और गाड़ियाँ वापस आए या जाए दोनों टाइम पे वो लोग ऐसे ही करते हैं, और इस समय भी हम लोग को निकलने नहीं दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। KFC, तो फाइनली डिसाइड हुआ है कि हम लोग KFC का बर्गर खाएंगे। हाँ ओ हाँ मैं तो भूल ही गई, क्या भूल गई, पर्स निकालो। तो हम लोग चलते हैं ऊपर बैठ के बर्गर खाते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद ही आज घर से बाहर निकले हैं। फुल लुक अभी मैं दिखाती हूँ किसी और को, क्या और लो बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो गई जैसे हम लोग अंदर घुसे, पता है, और चप्पल भी कंफर्टेबल है, फ्लैट है, क्योंकि मैं पैरों को अपने तकलीफ नहीं देना चाहती, काफी पैरों में दर्द है इस। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कि मुझे मेरा लुक बहुत पसंद है। किसका लुक ज्यादा अच्छा है गाइस, कमेंट करके बताइएगा। आइसक्रीम खा नहीं सकती क्योंकि सर्दी अभी भी ठीक नहीं हुई है और दवाइयाँ चल, वो दवाई
घर जाके दवाई खानी है। तो और मुझे खा के मर जाइए। तो या गाइस, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैं आप लोगों को दूंगी, अपने डिस्क्रिप्शन में आज डाल दूंगी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। चलिए मिलते हैं, कहाँ जाते हैं मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बाहर से वापस आ चुके हैं और अब बस चेंज करने जा रहे हैं। एक पार्सल आया था दिखाना, वीडियो बनाते बनाते उसको देखा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अब जाएगा रिटर्न में और रिटर्न की उसकी कंप्लेन वगैरह डाल दी है, उसी सब में लगी हुई थी और इसलिए मैं उसे वीडियो में नहीं डाल रही हूँ। अब जब वो रिटर्न होके आ जाएगा तब जाके मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कुछ टूटा हुआ आया है, वो चल भी नहीं रही है। एक छोटी सी मशीन मंगाई थी, वो चल नहीं रही है, तो उस समय खोल के नहीं देखा क्योंकि टाइम नहीं था। अभी खोल के देखा, लौट के आए हैं कि चलो उसको अनपैकिंग उसकी दिखा दी जाए, तो अनबॉक्सिंग वगैरह, तो अनबॉक्सिंग के समय ही पता चला कि वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, कुछ डिफेक्टिव पीस है। तो उसको अब रिटर्न किया गया है, उसकी कंप्लेन कर दी गई है, सब कुछ हो गया है और अब 29th या 28th को बोल रहे हैं कि उसका पिकअप होगा और फिर वो वापस चली जाएगी। और फिर वो उसके बाद रिफंड तो हमने नहीं मांगा है, मैंने उसी को रिप्लेस मांगा है कि दूसरी आप मेरे को भेजो, ये डिफेक्टिव पीस है। तो उसके खैर कल वेरिफिकेशन और वो सब का कॉल वगैरह आएगा और हो जाएगा। रिटर्न पॉलिसी में है वो, इसलिए वो चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो वापस आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने। ये लोग कर चुके हैं, मैं चेंज करने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई एनर्जी के साथ। और तब तक आप मेरे ब्लॉग्स देखिए, शॉर्ट्स देखिए और इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी आईडी दे दी है, उस पर भी जाके लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं रोज उसमें नई नई रील्स डालती रहती हूँ। जिसके पास जो है मेरे इंस्टा से जुड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं वो जाके मेरे को उसमें से उसमें भी फॉलो करें और मेरी नई नई रील्स आई हैं उन्हें देखें, लाइक करें, उसमें भी शेयर करें, कमेंट करें। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।